Hey guys, how are you all doing today? Welcome or welcome back to my channel. So in today's video, as you can see from the title, मैं एक हेयर केयर रिव्यू करने वाली हूँ जो है फ्रॉम द ब्रांड मामा अर्थ. तो हेयर केयर रिलेटेड मैं उतना वीडियो बनाती नहीं हूँ क्योंकि हेयर केयर मुझे ज़्यादातर लाइक चेंज करना उतना पसंद नहीं होता, लेकिन ये रेंज मैंने ट्राई किया एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो आई थॉट वाई डोंट आई जस्ट डू अ वीडियो रिगार्डिंग दिस एंड येस लेट्स स्टार्ट अंदर दिन वीडियो. अभी जैसे विंटर है एंड विंटर के टाइम स्पेशली हेयर मतलब बहुत ड्राई और फ्रिजी हो जाता है, राइट. और मेरा स्कैल्प तो बहुत ऑयली हो जाता है, तो मुझे शैम्पू लाइक एटलीस्ट वीक में एक या दो दिन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इतना ड्राई हो जाता है बाल. तो इसीलिए मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जिससे मेरा लाइक नरिशमेंट रहे मेरे बाल पे. जैसे पता है बचपन में हमें मम्मी या फिर दादी ड्राई फ्रूट्स खिलाती थी ताकि हमें लाइक नरिशमेंट मिले टोटली लाइक अंदर से भी. तो सेम थिंग इस इन दिस हेयर केयर रेंज जो है द आमंड हेयर केयर रेंज फ्रॉम मामा अर्थ. तो जैसे आमंड जैसा होता है ना, ये ना एक्चुअली किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है इसे, क्योंकि इसके अंदर 20 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. और ये लाइक खाने में तो ऑब्वियसली अच्छा रहता है हमारे लाइक स्किन के लिए, लेकिन ये मामा अर्थ ने ऐसे फॉर्मुलेट किया है ताकि ये आपके हेयर में जो लाइवली फील जो होता है वो फिर से आपके हेयर में आ जाए, ताकि यू नो आपका हेयर भी बहुत सिल्की हो जाए, बहुत नरिश रहे. और ये सब इशू का एक ही सोल्यूशन है, बहुत सिंपल है, टू हैव द आमंड गुडनेस इन टू योर हेयर. तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मामा अर्थ का आमंड हेयर ऑयल. सो येस, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव. इस प्रोडक्ट है ये मामा अर्थ का आमंड शैम्पू और थर्ड प्रोडक्ट है मामा अर्थ का आमंड कंडीशनर. और ये मामा अर्थ का जो आमंड का रेंज है राइट, तो ये रेंज ना एक्चुअली कोल्ड प्रेस्ड है, जिसका मतलब है कि इसमें आपका जो नेचुरली नरिशमेंट जो रहता है वो इसमें मेंटेन रहता है, ये कुछ भी मतलब कम नहीं हो जाता है. प्लस इसमें ना आपका हेयर बहुत स्ट्रेटन हो जाता है और ये पूरा जड़ से लाइक ये जो रूट से ये आपको बहुत हेल्प करता है सब कुछ अच्छे से मेंटेन करने में. इसीलिए यहाँ पे यू नो आई हैव बीन यूजिंग ऑल द थ्री किट टुगेदर ताकि पूरा नरिशमेंट इसमें. एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आता है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में, ये ना पूरा फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स है, इसमें कोई पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है. मैं जल्दी से दिखा देती हूँ ऑल द पैकेजिंग. तो तीनों का पैकेजिंग एक ही तरह है एंड लेट मी शो यू द हेयर ऑयल फर्स्ट. ये आमंड हेयर ऑयल जो है दिस इज अ 150 ml प्रोडक्ट और इसका प्राइस है 399 rupees, विच इज लाइक फेयर एनफ. प्लस मैं एक कूपन कोड नीचे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन में, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप अगर मामा अर्थ के वेबसाइट से खरीद तो आपको 20% ऑफ मिलेगा. तो ये जो ब्रांड है तो ये डायरेक्टली यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो कि नॉर्मल जैसे ड्रॉप यूज़ करना है, लेकिन ये छोड़ के और एक चीज़ भी इसके साथ आता है विच आई रियली लाइक्ड. मैं दिखा देती हूँ कि ये आपको जस्ट नॉर्मल ओपन करना है और ये आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो. तो इसके बाद ना आप नॉर्मली अगर आपको देना है तो ये आपका कोम का भी काम करेगा. तो ये नॉर्मली ऐसे करके आपके बाल में, मैं यहाँ पे क्लिप अटैच कर दूंगी, नॉर्मली यहाँ पे बस आप नॉर्मल कोम कर सकते हो, तो उससे डायरेक्टली आपका कोम भी हो जाता है और ये ना मसल का थोड़ा जो यू नो रिलैक्सेशन वो भी हो जाता है अच्छे से ये हेयर ऑयल के लिए. तो मैं जनरली ये ओवरनाइट करती हूँ, तो मतलब मुझे अगर नेक्स्ट डे शैम्पू करना है तो फिर उससे पहले दिन रात को ही मैं ये यूज़ कर लेती हूँ एंड नेक्स्ट दिन मैं शैम्पू करती हूँ. लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है तो आप नॉर्मल मतलब शैम्पू करने से एटलीस्ट एक घंटे पहले भी करके आप रख सकते हो एंड नेक्स्ट यूज़ द शैम्पू. एंड इसका स्मेल भी मैं बोल देती हूँ कि बहुत अच्छा है, लाइक नॉट ओनली दिस हेयर ऑयल, लाइक दिस होल शैम्पू एंड कंडीशनर, दिस होल रेंज स्मेल्स सो गुड. मुझे बहुत पसंद है, लाइक बहुत एक कामिंग सा माइल्ड सा स्मेल है, बट इट्स रियली रियली गुड. और इसका मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ. इसमें है कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, विटामिन ई एवोकाडो ऑयल, होहोबा ऑयल एंड कैस्टर ऑयल. एंड प्लस जैसे मैंने मेंशन किया है कि ये टोटली इंडियन ब्रांड है विच इज़ क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन. सो दिस इज द आमंड ऑयल शैम्पू. Yes, and the price is 349 rupees for 250 ml of product. As you can see, ये काफ़ी बड़ा product है, बहुत दिन तक चला जाएगा. तो इसका एक चीज़ ना मुझे बहुत पसंद है, लाइक मामा अर्थ का पहले भी मैंने देखा ये आता है कि ये एक छोटा सा कैप भी इसके साथ आ जाता है. तो अगर आपको कुछ ट्रैवलिंग या कुछ करना है, आप बस इसे नॉर्मली बंद कर लो तो फिर ये ना लाइक पंप नहीं होगा, तो आपको मतलब स्पिल होने का चांसेस बहुत कम है. तो दैट्स रियली नाइस विद इट. एंड इसमें भी है कोल्ड प्रेस आमंड ऑयल विथ विटामिन ई, एंड ये दोनों ही ना हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर नरिशमेंट
के लिए बहुत काम में आता है. एंड साइड में मैं क्लिप अटैच कर दूंगी कि जहाँ पे आई एम यूजिंग दिस वन. तो ये एक्चुअली सल्फेट फ्री है, तो इसी इसका उतना फॉर्म नहीं होता है, लेकिन आपका जो यू नो ऑयलीनेस या फिर स्टिकीनेस या फिर यू नो अंदर जो पोल्यूशन या फिर गंदगी जो होता है ना, वो अच्छे से ये चला जाता है. तो अगेन एज आई टोल्ड, दिस स्मेल्स सो सो गुड. सो येस, दिस इज द शैम्पू. एंड ये कंडीशनर भी लाइक सेम रेंज का है, तो इसीलिए इंग्रेडिएंट मोस्टली इसका सेम ही है. तो शैम्पू के बाद लाइक थोड़ा बाल थोड़ा डैम्प होने के बाद ये यूज़ करना, एंड 3-4 पंप तो एटलीस्ट ये यूज़ करना आई थिंक बेटर होता है. और रूट छोड़ के, ये कंडीशनर ना कभी भी रूट में नहीं लगाते, तो यहाँ से लेके टोटल नीचे तक आप लेंथ वाइज पूरा ये यूज़ करते हो कंडीशनर. और यूज़ करने के बाद थोड़ा 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना, एंड आफ्टर 2-3 मिनट्स वॉश इट ऑफ, एंड अगेन हेयर इज सो सिल्की. तो आज ही एक्चुअली मैंने ये शैम्पू किया है, तो जनरली जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ उस दिन मेरा बाल थोड़ा लाइक रफनेस रहता है, लेकिन फिर भी आई कैन सी लाइक इट्स सो सो लाइक सिल्की टुडे. आई एब्सोल्युटली लव दिस हेयर. प्लस लाइक मेरा कलर्ड हेयर है, उसके लिए भी आई फील लाइक दिस इज सो नाइस. एंड यस, दिस इज़ अ बिग टब कंडीशनर, तो और भी लाइक शैम्पू से ज़्यादा कंडीशनर रह जाता है, तो 250 ml इट विल लाइक लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सो येस, दैट्स इट फॉर द प्रोडक्ट्स. एंड मैं नीचे सब लिंक दे दूंगी. एंड एज यू नो कि मामाअर्थ, जैसे मैंने पहले बोला, इट इज़ अ टोटली वीगन, क्रुएल्टी फ्री, इंडियन, एंड इट्स ऑल्सो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एज वेल. और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मामाअर्थ के वेबसाइट से अगर आप कभी भी खरीदते हो ना कुछ भी, तो दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ प्लांट दैट दे विल प्लांट ऑन योर बिहाफ, और उसका जियो लोकेशन, स्पीसीज, सब कुछ ना आपको मेल में मतलब भेज देगा. तो इट इज़ लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कि आपके बिहाफ में दे आर प्लांटिंग समथिंग विच इज़ लाइक रियली गुड. एंड अगेन लाइक ये जो प्रोडक्ट्स है आपको अमेजन, नाइका, पर्पल हर जगह मिल जाएगा, एंड प्लस मामाअर्थ का ऐप या फिर वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा. एंड मैं यहाँ पे कूपन मेंशन कर दूंगी जिसका आपको 20% ऑफ मिलेगा. मामाअर्थ का खुद का एक लॉन्च हुआ है एक ऐप, एंड इफ़ यू साइन अप टू दैट तो आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा सेल में, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ये सब भी मिलेगा. तो यू कैन चेक आउट देयर ऐप एज वेल. एंड येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपने ये ट्राई किया है रेंज, एंड कैसा लगा आपको कमेंट में बताना. प्लस इफ देयर इज एनी अदर वीडियो इफ यू वांट मी टू ट्राई, एंड येस यू कैन लेट मी नो दैट एज वेल. एंड इफ यू आर वंडरिंग, मैंने एक्चुअली एक स्वाच का वीडियो कर रही थी, तो वो भी बहुत जल्दी ही लाइव हो जाएगा, मे बी आफ्टर दिस वीडियो और मे बी बिफोर दिस वन. मैं अगर पहले है तो लिंक कर दूंगी. So yes, keep checking out my video, and don't forget to subscribe to my channel, like this video as well, and take care guys, bye.